रोज सवेरे श्री कृष्ण जी खाते थे मक्खन, गाय के दूध दही को बिलो के मट्ठा निकाल के मक्खन मिश्री के साथ खाते थे, और वो सब कर गए जो कोई कल्पना नहीं कर पाए। आप भी अपने बच्चों को वही खिलाओ, गाय का दूध दही जमाओ, दही में से मक्खन निकालो, उसको मिश्री के साथ खिलाओ। फिर आप कहोगे जी मोटापा बढ़ेगा क्या, श्री कृष्ण को देखो मोटे हैं क्या, नहीं ना। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि गाय के दूध से निकाले हुए दही, दही के मक्खन से कभी भी मोटापा नहीं बढ़ता। कितना भी खाओ मक्खन, मिश्री मिला के खाओ तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। मिश्री और मक्खन का जबरदस्त मेल है आयुर्वेद। आप खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, कोई तकलीफ नहीं। मोटापा किससे बढ़ता है वो जान लो, बाजार में जो मक्खन का पैकेट आता है वो नाम कुछ भी हो उससे मोटापा बढ़ता है। आप बोलेंगे जी बाजार में मक्खन का पैकेट आता उससे मोटापा, उसमें कुछ केमिकल डालने पड़ते हैं मक्खन को प्रिजर्व करने के लिए। और वो मक्खन कैसे निकाला जाता है, दूध से सीधे खींचा जाता है। हम हमारे घर में क्या करते हैं, दूध का दही बनाते हैं, दही को ऐसे ऐसे खूब रगड़ा लगाते हैं, मर्दनम गुण वर्धनम, उसके गुण बढ़ते हैं, फिर मक्खन निकालते हैं। इसलिए भरपेट खाओ मक्खन, बच्चों को खिलाओ। और जिंदगी में भूल जाओ कि गाय के दूध के मक्खन से या दही निकाले हुए मक्खन से मोटापा बढ़ता, कभी नहीं बढ़ेगा। गाय के घी से भी मोटापा नहीं बढ़ता कभी। गाय के घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल जो शरीर के लिए आवश्यक है, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अभी प्रश्नोत्तरी के लिए 10 मिनट हम बैठे हैं। एक बहुत अच्छा महत्व का प्रश्न आया है, वो सब सुने तो बहुत ही अच्छा है। जैन शास्त्रों में मूत्र और मल के सेवन का निषेध है, उसके बारे में आपके विचार क्या है? जैन शास्त्रों में जो निषेध है ना, वो जीव हिंसा के आधार पर है। गाय का जो गोबर होता है ना, उसमें बहुत सारे जीव होते हैं। आप चाहें तो लेंस लगा के देख सकते हैं, मैंने खुद देखे हैं, एक तो नहीं कोटि कोटि जीव होते हैं। तो जो शास्त्र में कहा गया है वो जीव हिंसा के आधार पर है। इसलिए जो जैन शास्त्रों का पूरी चुस्त तरीके से पालन करते हैं, उनके लिए दूसरा रास्ता बताता हूँ। रास्ता ये है कि ये गोमूत्र है ना, इस गोमूत्र को जब उबाला जाता है, इसको क्या है गर्म करते हैं, गर्म करके इसकी बाष्प इकट्ठी होती है, बाष्प को ठंडा करके बोतल में भरा जाता है, तो उसको हम कहते हैं गोमूत्र अर्घ। ये एकदम संपूर्ण सुरक्षित है और जैन शास्त्र के अनुकूल, उसमें एक भी जीव नहीं रहता। उबल गया, उबलने के बाद फिर बाष्प इकट्ठी हुई, बाष्प में तो कोई जीव नहीं रह पाया, कोई भी वायरस कोई भी बैक्टीरिया बाष्प में रह नहीं सकता, क्योंकि वो उसके तापमान के अनुकूल नहीं। जो जीव राशि गोबर में है वो गोमूत्र की बाष्प में रह नहीं पाते। और एक और आश्चर्य की बात बताऊं, गोमूत्र में भी जीव राशि नहीं होती, गाय के मूत्र में जीव राशि ही नहीं है, जो गोबर में है वो मूत्र में नहीं। क्योंकि मूत्र में एक तो ऐसे केमिकल है जैसे सल्फर, वो रहने नहीं देता किसी जीव राशि। तो गाय का मूत्र जो आता है वो जीव राशि रहित है। इसलिए जैन शास्त्रों का बहुत अच्छे तरीके से पालन करने वाले लोगों के लिए बोलता हूँ कि आप गोबर का उपयोग छोड़कर गोमूत्र करो। और गोमूत्र में भी ये जो गोमूत्र को गर्म किया हुआ वाष्प इकट्ठा किया हुआ अर्घ है वो आपके लिए सबसे अच्छा है। हाँ, दमा वाले श्रीमती इंदिराबाई का सवाल है कि दमा वाले तपस्या के समय गैस और डकार रहने से गोमूत्र का किस तरह से उपयोग करें। गोमूत्र का अर्घ आता है, अर्घ एक चम्मच, अधिक से अधिक 2 चम्मच सुबह खाली पेट पी, बस 1 चम्मच या 2 चम्मच अधिक से अधिक सुबह खाली। पानी नहीं मिलाए तो अच्छा है, लेकिन पी नहीं पाए तो मिला ले, बिना पानी के पिए तो बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा,
दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, इतनी चीजों के लिए अच्छा। डायरेक्ट पिएंगे तो बहुत अच्छा है ना, नहीं फ्रेश वाला अगर मिल रहा है तब तो सबसे अच्छा, नहीं मिल रहा है किसी कारण से तो अर्क ले सकते हैं। हाँ आज का आज ही ताजा मूत्र जो है ना वो ताजा ही पीना सबसे अच्छा, उसमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन गोमूत्र अगर दो तीन दिन रख लिया तो जरूर पानी मिला ले सकते हैं पानी मिला। फ्रेश सबसे अच्छा। आज को आजकल गायों को इंजेक्शन बहुत दिए जाते हैं, सूखी गायें घास दी जाती है, ऐसी गायों का मूत्र दूध उपयोगी है, ऐसा इंजेक्शन देते हैं तो बहुत खराब होता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन है वो गाय को बहुत तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ देता है, और वो तकलीफ के कारण गाय के पूरे शरीर में विक्षोभ और विचलन पैदा होता है। उस स्थिति में गाय का दूध बहुत उपयोगी होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, मूत्र उपयोगी होगा तो कहना मुश्किल है। तो आप बस इतना ही ध्यान रखें कि जो लोग इंजेक्शन देकर गाय का दूध या वो निकाल रहे हैं उनको या तो बोले कि भाई तुम बंद करो ये इंजेक्शन देना, नहीं मानते हैं तो उनसे कोई संबंध ही ना रखें, उनसे कहें कि तुम दूध देना चाहते हो हम लेना चाहते हैं लेकिन जहर नहीं लेना चाहते, कोई इंजेक्शन तकलीफ करता है। हाँ आप उनको समझाइए और बताइए, क्योंकि उनको ये समझ अभी डॉक्टरों ने दी है कि इंजेक्शन ठोकने से अच्छा होता है, दूध जल्दी आता है, दूध ज़्यादा आता है, लेकिन इंजेक्शन ठोकने से उसको जो तकलीफ होती है गाय को ये डॉक्टर नहीं बता आएगी। अगर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देकर दूध निकाला गया तो जरूर पास आएगी, तो इसको सुधारने का प्रयास करें। इसमें तरीका यही है कि आपका जो दूध देने वाला ग्वाला है एक दिन उसके साथ शांति से बात करें, उसमें एक बात आप करके देखें परिणाम अच्छा निकले, उसको कहें कि हम तुमको एक रुपये लीटर ज़्यादा भाव देंगे या दो रुपये लीटर ज़्यादा भाव देंगे, तुम इंजेक्शन नहीं लेते। मैंने बहुत लोगों को समझाया और ये बात समझ में आ गई, उनको इंजेक्शन लगाने का लालच इतना ही है, दूध थोड़ा ज़्यादा है और वो ज़्यादा बहुत नहीं होता है तो थोड़ा ज़्यादा निकालने का लालच अगर उनका थोड़ा पूरा हो जाए पैसे से, क्योंकि गाय का दूध जो बिक रहा है वो भैंस से सस्ता है, आप भैंस से थोड़ा ज़्यादा भाव दे दो हो सकता है इंजेक्शन लगाना बंद। ये बात तो सही, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गाय का दूध अगर इंजेक्शन लगाया हुआ हो और पैकेट वाला दूध उसके सामने हो तो भी गाय का दूध पैकेट वाले से अच्छा है, क्योंकि ये जो दूध पैकेट में बंद किया जाता है ये तो जैन शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। दूध के बारे में तो आप जानते हैं कि वो अधिक से अधिक 8 से 10 घंटे में इस्तेमाल होना ही चाहिए, और ये पैकेट वाला दूध तो 3 दिन पुराना 4 दिन पुराना पता ही नहीं है आपको। आजकल तो ऐसा भी दूध आ गया है जिसकी एक्सपायरी डेट 3 महीना, वो तो जैन शास्त्र के सर्वथा प्रतिकूल है, उससे अच्छा तो इंजेक्शन लगाया हुआ गाय का ताजा दूध। तो अगर आपको ये चुनाव करना पड़ता हो कि पैकेट वाला ले और ये इंजेक्शन, तो आप निसंकोच इंजेक्शन वाला ले लेंगे, पैकेट वाला उससे भी ज्यादा खराब है। बास आती है तो उसके लिए रास्ते हैं, जैसे एक रास्ता ये है कि उसमें केसर डाल दो, दूध में केसर डाल के आप उसका उपयोग करो, एक तरीका है। दूसरा तरीका है मिश्री डाल के मिलाओ, मिश्री दूध में मिश्री मिलाओगे सब बास चले जाएंगे, तो मिश्री मिला के पिलाओ, केसर डाल के पिलाओ। और एक रास्ता है कि दूध में थोड़ा घी डाल दो, अगर गाय का है बहुत ही अच्छा है, तो घी जो है ना उसकी शक्ति है वो सबको अपना जैसा ही बना लेता है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनका आप इस्तेमाल कर, गुड़ ऐसा गुड़ जो बिना केमिकल वाला है ऑर्गेनिक है उस गुड़ को डालकर पिलाओ, गुड़ की खुशबू आ जाएगी उसमें। तो ये तरीके हैं उसका इस्तेमाल। अब बहुत अच्छा सवाल है कि
बीमार गर्भवती होती है और रात को दूध पीने से कफ नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा अगर दूध में घी मिलाया होगा। गाय के दूध में अगर घी मिला के माँ को दे रहे हैं रात को तो बिल्कुल कफ नहीं होगा, माँ को ही नहीं किसी को भी कफ नहीं। खाली दूध पिएंगे, चीनी मिलाया होगा तो पूरी संभावना है कि कफ बढ़ेगा, क्योंकि उसमें दूध से ज्यादा जिम्मेदार है चीनी कफ बढ़ाने के लिए। तो चीनी मिलाया हुआ दूध पी रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि कफ बढ़ेगा, लेकिन अगर आप दूध पी रहे हैं घी मिलाया हुआ कभी भी कफ नहीं बढ़ेगा। मिश्री मिलाकर कभी भी कफ नहीं बढ़ेगा। गुड़ के साथ दूध पिए कभी भी कफ नहीं बढ़ेगा। हाँ करें, बहुत अच्छा। और मिश्री वो वाली करें जो बड़े बड़े उसकी आती है, डेले कहते हैं क्या कहते हैं, बड़े क्यूब्स जो आते हैं और उनका डिजाइन एक कैसा नहीं होता, टेढ़े मेढ़े, ये वो शुद्ध है, ये कटिंग की हुई एक जैसी डिजाइन की, ये गड़बड़ है। और एक प्रश्न है इसी में, पिछले करीब 9 दिनों से हम लोग स्वास्थ्य के बारे में अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह ग्रंथों में से चुने हुए सूत्रों पर बातचीत कर रहे हैं। लगभग अब तक 50 सूत्र मैंने आपके सामने कहे हैं, सरल भाषा में आसानी से समझ में आए, आपको अपने जीवन में अपनाना उनको आसान हो जाए, इस दृष्टि से मैंने उनको समझाने की कोशिश की है। ये जो सूत्र हैं इनको अगर आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो क्या होगा, तो हमारे अष्टांग हृदय में और अष्टांग संग्रह में और आयुर्वेद के विशेषज्ञों द्वारा जो कहा जाता है वो ये कि आपका जीवन निरोगी होगा, आपको रोग आने की संभावना बहुत कम है अगर इन सूत्रों का पालन करें तो। और अगर आप इन सूत्रों का पालन करते हैं और आप निरोगी रहते हैं तो रोग आएंगे नहीं और आपको रोगों के लिए इलाज करने के लिए ज्यादा बाधा बच्ची नहीं होती पड़ेगी। तो सूत्रों को मैंने आपके सामने रखा है, आप अपने जीवन में अगर अपना सकते हैं, आचरण में ला सकते हैं तो आपके जीवन में बीमारियां सबसे कम होंगी, आप निरोगी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने अपने ऊपर इनका पालन करके देखा है पिछले 10-12 वर्षों में और मेरे कई सहयोगी मित्रों के ऊपर भी इनका पालन करवाया है, आचरण में लाया है और हमने उसके बहुत अच्छे परिणाम देखे। इतने अच्छे परिणाम हैं इन सब सूत्रों के कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे इन सूत्रों का पालन करने का। तो मेरा आपसे निवेदन है कि पिछले 9 दिनों में जितने सूत्र बात आपके सामने आए, जितने सूत्र आपके सामने रखे गए हैं, इन सूत्रों को एक बार हम थोड़ा सा दोहरा लें। सबसे पहला सूत्र जिसको मैं बहुत महत्व का मानता हूँ वो ये है, खाना खाने के लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पीना, ये सबसे पहला सबसे महत्व का सूत्र है। फिर दूसरा सूत्र है जिसको मैं बहुत महत्व का मानता हूँ वो ये कि पानी को हमेशा घूट घूट करके पीना, थोड़ा थोड़ा करके, सिप सिप करके पानी पीना। तीसरा सूत्र है जिसको बहुत महत्व का मैं मानता हूँ और जो आपको भी खुद अंदाजा लग जाएगा अगर आप उसका पालन करेंगे तो, सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना, माने दिन की शुरुआत पानी से करना, कम से कम 3 गिलास, बड़े लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए 1 से 1.5 गिलास, बुजुर्गों के लिए 2 गिलास। फिर उसके बाद का पांचवा सूत्र है या चौथा सूत्र है कि कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना, कभी भी किसी भी परिस्थिति में ठंडा पानी नहीं पीना, गर्मी कितनी भी पड़े, पसीना कितना भी निकले, ठंडा पानी गलती से भी नहीं पीना। और भारत में ठंडे पानी की जो परिभाषा है वो रेफ्रिजरेटर का पानी, बर्फ डाला हुआ पानी, इसी को ठंडा माना जाता है।
मिट्टी के घड़े के पानी को ठंडा नहीं माना जाता। ठंडे पानी की परिभाषा विज्ञान के अनुसार ये है कि जिस पानी का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो वो पानी ठंडा है। मिट्टी के घड़े में कभी भी पानी आप रखेंगे उसका तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जा ही नहीं सकता, क्योंकि मिट्टी की तासीर ऐसे है। कभी भी मिट्टी के घड़े के पानी का तापमान आप नापेंगे तो वो 30 डिग्री 32 डिग्री 35 डिग्री ऐसा ही निकलेगा। जो वातावरण का तापमान है उससे एक दो डिग्री ही कम होगा, ज्यादा कम नहीं होगा। तो फिर से बात करें, चार सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पीना, पानी को हमेशा से घूट घूट भर के पीना, सवेरे उठते ही सबसे पहले 3 गिलास पानी पीना, और चौथा सूत्र है ठंडा पानी कभी भी मत पीना। फिर पांचवा सूत्र है जो मेरे हिसाब से बहुत महत्व का है, वो ये कि खाने को इतना चबाना जितने आपके दांत, माने खाने को धीरे धीरे चबा चबा कर खाना, ये बहुत महत्व का सूत्र है पांचवा। फिर छठा सूत्र है खाना हमेशा बैठकर खाना, कभी भी खड़े होकर खाना नहीं खाना, मेज कुर्सी पे भी खाना नहीं खाना। फिर उसके आगे का सूत्र है कि जब हम दोपहर को खाना खाएं तो विश्रांति जरूर लेना, कम से कम 48 मिनट की, अधिक से अधिक 1 घंटे की। और फिर उसके आगे का सूत्र है जब शाम का खाना खाएं, रात का खाना खाएं, तो 2 घंटे के बाद ही विश्रांति मिलेगा। फिर उसके आगे का बहुत महत्व का सूत्र है भोजन में 2 विरुद्ध वस्तुएं एक साथ नहीं खाना, दूध दही साथ में नहीं खाना, खट्टे फल और दूध साथ में नहीं खाना, दुल्हन और उनके साथ दही नहीं खाना, अगर खाना पड़े किसी मजबूरी में तो दही को गर्म करके खाना, बघार देके खाना, प्याज के साथ कभी भी दूध नहीं लेना, जैक फ्रूट के साथ कभी भी दूध नहीं लेना, नमक जो बाजार में मिलता है समुद्री उसके साथ दही नहीं खाना, और समुद्री नमक की कोई भी वस्तु के साथ दूध नहीं पीना। अगर दूध पीना है और नमक की वस्तु भी साथ में लेनी है तो वो नमक होना चाहिए सेंधा या काला, दही लेना है और उसमें नमक डालना है तो वो भी नमक होना चाहिए सेंधा या काला, और अंत में आप सब ने मिलकर फैसला किया था कि हमको तो नमक ही बदल देना है अपने घर का, सेंधा नमक ही हमेशा लेना है क्योंकि वही सबसे महत्व का है। तो ये विरुद्ध आहार की बात आई थी। इसी के साथ और एक महत्व का सूत्र है जो मैं मानता हूँ कि बहुत जरूरी है आप सबके लिए, वो ये कि खाना खाने से पहले चित्त और मन दोनों शांत होना चाहिए। मन और चित्त में कुछ ज्यादा धड़पड़ चल रही है, ऊपर नीचे हो रहा है, कोई तनाव है, कोई दबाव है आपके ऊपर, किसी भी किस्म का तनाव और दबाव हो सकता है, तो शास्त्र में कहा गया सूत्र के रूप में कि बेहतर है लंघन करना। लंघन करने का माने उपवास करना। अगर मन में कोई बहुत तनाव है, कोई बहुत क्षोभ है, बहुत ज्यादा तकलीफ की स्थिति में आप हैं, तो बेहतर है कि आप खाना ना खाएं, माने ठोस वस्तुएं ना खाएं, लंघन कर लें। और लंघन करने के तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, उसमें मैं ज्यादा नहीं गया। लंघन करने का सबसे आसान तरीका है कि ठोस वस्तुओं को छोड़कर द्रव वस्तुओं का उपयोग कर लेना। ये साधारण संत गृहस्थों के लिए है, साधु संतों के लिए लंघन अलग है, उनका उपवास अलग है। हम जो जीवन चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, हमारे लिए उपवास और लंघन दूसरे तरह का है। तो आप अगर संत गृहस्थ हैं, अपना जीवन चला रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, तो आपके लिए है कि लंघन का माने रोटी नहीं खाना, चावल नहीं खाना, दूध नहीं, सॉरी ये सब्जी आदि छोड़ देना, खिचड़ी वगैरह छोड़ देना, दूध ले लेना खाली, या पानी में कोई मीठी चीज डाल के ले सकते हैं, जैसे शहद ले सकते हैं अगर लेना हो तो, नहीं तो गुड़ डाल के लोटा पानी ले सकते हैं, थोड़ा नींबू का भी उपयोग कर सकते हैं। लंघन करते समय बहुत अच्छा माना जाता है कि घी का पानी ले लेना, घी का पानी, पानी है गर्म करके थोड़ा घी डाल के चाय की चुस्कियों की तरह से पी लेना। क्योंकि होता क्या है, जब हम लंघन करते उपवास करते हैं उस समय पेट में पित्त है,
पित्त आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में, अगर वो एसिड पेट में पड़ा रहेगा तो हर चीज को जलाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की विशेषता है कि वो जलाएगा हर एक को। खाना होगा तो खाने को जलाएगा, खाना नहीं होगा तो आपके पेट की अंतड़ियों को जहां पर है उनको जलाएगा, आपका जो जठर है ना उसकी दीवारों को जलाएगा। उसका तो काम है, उसका तो गुणधर्म ये है। तो वो कभी भी ऐसी स्थिति में आ गया कि आपके पेट की कुछ चीजों को उसने जला के ठीक माने भून दिया या जला दिया, तो जिंदगी भर आप गैस्ट्राइटिस से पीड़ित रहेंगे, हमेशा गैस बनती ही रहेगी आप, हमेशा डकारें आती ही रहेंगी, हमेशा हिचकियां आती ही रहेंगी, इसमें आप फंस जाएंगे। इसलिए लंघन करते समय, उपवास करते समय सब गृहस्थों के लिए कहा गया है कि कम से कम लगातार पानी तो पीते रहे, और पानी तो सबसे अच्छा माना जाता है गुड़ का, उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ा हुआ हो बहुत अच्छा है, और गुड़ वो हो जिसमें रसायन ना मिलाया गया हो, केमिकल ना डाले गए हो। गुड़ नहीं मिलता है तो मिश्री का पानी ले सकते हैं, शहद का पानी अगर आप लेना चाहें जिन्होंने बाधा नहीं ली है, शहद को दवा के रूप में उपयोग करने के लिए अगर वो स्वतंत्र हैं तो वो शहद का पानी ले सकते हैं। नींबू शहद और पानी ये सबसे उपयोगी माने गए हैं उपवास और लंघन के समय। और मैंने आपसे कहा कि आप घी का पानी भी ले सकते हैं, घी जो है उपवास के लिए माना गया है तो उपयोग किया जाए उसका, घी को भोजन में तो उपयोग करते ही लेकिन उपवास के समय। तो आपके लिए कहा गया कि मन और चित्त दोनों शांत रहे तो आप भोजन करें, नहीं है अगर चित्त और मन में शांति तो छोड़ दें भोजन का, एक दो समय के लिए लंघन कर दें तो ज्यादा बेहतर है, और लंघन करने के लिए मैंने तरीका आपको बता दिया। इसी तरह का एक नियम जिसको मैं बहुत महत्व का मानता हूँ, जो सब पालन करें तो बहुत ही अच्छा होगा, कि आप जब भोजन करके विश्राम करते हैं, दोपहर का विश्राम करते हैं, तो हमेशा सिर को सूरज की दिशा में रखना, पूर्व की दिशा में रखना, पांव आपके पश्चिम की दिशा में रहे, और अगर आप सदगृहस्थ हैं तो आप चाहें एक बार को तो दक्षिण में भी सिर करके आप सो सकते हैं। जिनको ब्रह्मचर्य पालन करना है, संयम का जीवन जीना है, उनको तो बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि वो सूर्य की दिशा में ही सिर रख के सो सकते हैं। अब इसमें अपने कुछ श्रोताओं को इस बात का भ्रम था मन में कि हम ऐसे सोएं कि मुंह हमारा सूर्य की तरफ हो, इस कंफ्यूजन को बंद कर दिए, सिर सूर्य की तरफ हो, मुंह सूर्य की तरफ नहीं, सिर सूर्य की तरफ हो, माने सोते समय सूर्य आपके सिर की तरफ हो, सीधी सी बात है, और पांव आपके पश्चिम की तरफ हो, बिल्कुल सीधा सा, नहीं तो सिर दक्षिण की तरफ हो और पांव उत्तर की तरफ हो। ये बहुत महत्व का नियम है, चर्चा में विस्तार में पहले कर चुका हूं इसलिए उसको रिपीट नहीं कर रहा। इसी तरह का मेरे हिसाब से और एक बहुत महत्व का नियम है जो मैंने दो तीन दिन पहले आपको बताया है कि पानी आप पी रहे हैं तो कौन सा पानी पीना, तो सबसे अच्छा पानी बताया गया अष्टांग हृदय में बारिश का पानी, बारिश का पानी सबसे अच्छा माना गया। तो आप किसी भी तरह से कोशिश करें कि बारिश का कुछ ना कुछ पानी हर साल इकट्ठा करें, आप जहाँ रहते हैं वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं कि बारिश का पानी आपके पास 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लीटर इकट्ठा हो भी जाए। इसके लिए तरीके कोई भी अपना है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जहाँ रहते हैं छत की व्यवस्था है, खुला स्थान है, वहाँ एक कोई बड़ा पात्र रख दें, कोई थाल रख दें, थाली रख दें, उसमें पानी गिरता रहे, फिर उसको आप इकट्ठा करके रखें। आप बिल्कुल विश्वास मानिए कि ये जो बारिश का पानी आप इकट्ठा कर लेंगे, साल भर तक बिना कोई केमिकल मिलाए आप इसे पी सकते हैं, इतना शुद्ध होता है। बीच बीच में चाहें तो इसमें फिटकरी फेर सकते हैं, और बीच बीच में चाहें तो चूने का उपयोग करके इसकी शुद्धता को बनाए रख सकते हैं। कोशिश करें कि साल में जितना पानी आप पीते हैं, इस साल एक संकल्प लें कि भाई साल में मैं 1000 लीटर पानी पीता हूँ मान लीजिए, तो कम से कम 100 लीटर पानी तो बारिश का इस साल में पीऊंगा। फिर धीरे धीरे बढ़ा दीजिए संकल्प को कि 200 लीटर पानी में पीऊंगा, फिर 300 लीटर पीऊंगा, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाइए इसको,
तो जैसे जैसे आपका संकल्प ये बढ़ता जाएगा, आप खुद महसूस करेंगे कि आप ज्यादा पहले से स्वस्थ हो जाएंगे। इस नियम का मैं चेन्नई के नागरिकों के लिए विशेष रूप से निवेदन इसलिए भी कर रहा हूँ कि मैं चेन्नई में लगभग 3 बार आया 7-7 दिन के लिए। इस बार आया 11 दिन के लिए, पिछले 2 बार 7-7 दिन के लिए आया था। मैंने हर बार कुछ मरीजों को भी चिकित्सा दी है यहाँ पर। मैंने देखा है कि बहुत सारे मरीज सिर्फ एक छोटी सी नादानी और भूल के कारण इतनी बड़ी तकलीफ में फंसे हैं, किडनी फेलियर के जो केसेस मैं देख रहा हूँ। चेन्नई में कुछ ज्यादा ही, हम दूसरे शहरों में जब जाते हैं ना 100 मरीज देखते हैं तो एक या दो निकलता है जिसका किडनी फेलियर होता है, और यहाँ अगर मैं 100 मरीज देख लूँ तो पता चला कि 15 से 20 उसमें निकल आते हैं किडनी फेलियर। मेरे आसपास जो सहयोगी हैं, जो इस काम में मेरा सहयोग करते हैं चेन्नई के, इनके घरों में किडनी फेलियर के केसेस हैं। किसी की माता जी का, किसी के पिताजी का, किसी के दादाजी का, किसी के दादी जी का। तो मुझे ये देख के बहुत तकलीफ होती है, और मैं बार बार ये बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि किडनी हमारे शरीर का सबसे मजबूत ऑर्गन है, ये बात ध्यान रखिए। पूरे शरीर में जितने भी अंग और उपांग हैं इनमें किडनी सबसे मजबूत है। हृदय को, लीवर को, आमाशय को, जठर को अलग अलग करके अगर हम उसका तुलना करना चाहेंगे तो सबसे मजबूत चीज हमारे पास किडनी ही है। और भगवान ने एक छोड़ दो दो दी है, इसके पीछे कोई रहस्य है। एक ही छोड़कर दो दो दी, हृदय एक ही दिया है, लीवर एक ही दिया है, आमाशय एक ही दिया है, जठर एक ही दिया है, एपिगैस्ट्रियम एक ही है, डायफ्राम एक ही है, किडनियां दो हैं, फेफड़े दो हैं। तो कुछ कारण तो ऐसा है। बात माने ये है कि भगवान नहीं चाहता कि आपको किडनी फेलियर जैसी बीमारी में फंसना पड़े, नहीं तो एक ही दे देता किडनियां। प्रकृति नहीं चाहती कि आपकी किडनी फेल हो, एक फेल हो जाए तो दूसरी काम करती है। इसी तरह से पानी के बारे में और एक सूत्र में बात हुई थी कि बारिश का पानी किसी कारण से नहीं मिला तो बहती हुई नदी का पानी पीने की कोशिश करें, वो आप देख लें संभव है नहीं है। तीसरा, अगर बहती हुई नदी का पानी ना मिला तो कुएं का पानी पीने की कोशिश करें, और कुएं का पानी नहीं मिला तो तालाब का पानी पीने की कोशिश करें, अंत में कॉर्पोरेशन का पानी पीने की कोशिश करें। और उसके लिए मैंने बोला था बिना उबाले, गलती से बिना पिए, क्योंकि चेन्नई कॉर्पोरेशन का पानी रिसाइकिल होके आ रहा है, उन सब पानियों से मिलकर आ रहा है जो कचरे वाली फैक्ट्रियां हैं, जैसे टैनरीज यहाँ चलती हैं, चमड़ा शोधन की इकाइयां चलती हैं, उनका सारा कचरे वाला पानी जाता है, भूमि के स्रोत में मिलता है, फिर वही स्रोत का पानी उठा के आपको रिसाइकिल करके दिया जाए। तो बिना उबाले गलती से भी चेन्नई में कोई पानी ना पिए कॉर्पोरेशन का, उबाल के उसको ठंडा करके मिट्टी के घड़े में रख लें और उसका इस्तेमाल करें। फिल्टर ही इस्तेमाल करना है तो जो सबसे सरल फिल्टर आता है बाजार में, एक स्टील का पात्र आता है, आपने देखा उसमें 2 बार लगा देते हैं फिल्टर के, वो सबसे अच्छा है। किसी भी एक्वागार्ड और किसी वाटर प्यूरिफायर की जो मशीनें आती हैं उन सबसे अच्छा है, क्वालिटी में बहुत अच्छा है, कीमत में बहुत सस्ता है, वो पानी के अंदर के गुण सूत्रों को सबसे कम बिगाड़ता है। बाकी जितने भी ये प्यूरिफायर हैं वो किसी भी नाम से मिलते हो, ये सारे के सारे पानी के गुण सूत्रों को तोड़ने वाले हैं। पानी जिस रूप में प्रकृति से आया है, ईश्वर से आया है, वो हमें वैसे ही मिले तो उसमें वही सबसे बेहतर है, सस्ता भी है, क्वालिटी में अच्छा, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तरीका है कि पहले पानी को एक बार उबाल दें, उबाला हुआ पानी ठंडा हो जाए फिर उस फिल्टर में डाल दें, फिर उसको दिन भर आप पीते रहें तो थोड़े आप सुरक्षित रहेंगे। इसी तरह का एक नियम था जो बहुत महत्व का मैं मानता हूँ कि आप अपने घर में किसी भी स्थिति में समुद्र के पानी का बने हुए नमक का इस्तेमाल ना करें। मैंने बताया था समुद्र के पानी के नमक में सबसे ज्यादा दूषण बढ़ाने की क्षमता है हमारे शरीर में। मैंने पिछले 10-12 वर्षों में जो अनुभव किया है अपने चिकित्सा जीवन में वो ये कि ज्यादा से ज्यादा मरीज जो मेरे पास आते हैं हाई ब्लड प्रेशर के,
ज्यादा से ज्यादा मरीज जो मेरे पास आते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के, ज्यादा से ज्यादा मरीज जो मेरे पास आते हैं डायबिटीज के, ज्यादा से ज्यादा मरीज मेरे पास आते हैं अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस आदि आदि बीमारियों के, पैरालिसिस के, ब्रेन हेमरेज के, उन सब का मूल कारण जब मैं धीरे 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 ढूंढता हूँ तो वो पता चलता है समुद्री नमक। वो समुद्री नमक उनको इस स्थिति में लाया कि उनको पैरालिसिस हो गया। कारण वहां से शुरू होता है। नींव की ईंट अगर खोजनी हो किसी भवन की तो बीमारी में भी हमें खोजना पड़ता है, जिसको आप कहते हैं डायग्नोसिस। हम जब डायग्नोसिस करते हैं और बहुत डीप में जाते हैं तो पता चला वहां निकलता है सारा कि अगर उस आदमी ने समुद्री नमक नहीं खाया होता तो आज पैरालिसिस का शिकार नहीं होता, या ब्रेन हेमरेज का शिकार नहीं होता, या हार्ट फेलियर का शिकार नहीं होता। ये इतने महत्व का सूत्र है, इसलिए मैंने आपसे कहा था और आपने संकल्प भी लिया था साध्वी जी भगवान के सामने कि आज से हमारा नमक हम बदल देंगे। काफी लोगों के घर में बदल गया है, काफी घरों में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया अपना रंग दिखाएगी, क्योंकि हमारी सबकी आदत है हम जल्दी नहीं बदलते। अगर ये जो जल्दी बदल जाते तो इतने सारे साध्वी जी और साधु जी को प्रवास नहीं करना पड़ता लाखों किलोमीटर। हम बदलते ही सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, फिर एक दिन भूल जाते हैं। ये हमारी आदत हो गई है। इस आदत में थोड़ा बदलाव करें। जो चीज तुरंत बदलनी है उसमें देर ना लगा। आज पता चला हमको, कल तक नहीं मालूम था तो ठीक है, अज्ञान में थे, अंधकार में थे, आज हमको पता चल गया, तुरंत बदल दें उसको। तो नमक तो तुरंत बदल रहे आपके घर का, इसमें तो बिल्कुल देर ना करें। सेंधा नमक, काला नमक लाना शुरू ही कर दें। हर तरह की सब्जी में, हर तरह की दाल में, हर तरह के पकवान में सेंधा नमक और काले नमक का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और उसमें कोई बहाना ना बनाए, उसको पीसना पड़ता है, कूटना पड़ता है, जिंदगी चलाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर इसी तरह की बहानेबाजी हमारे किसान करना शुरू कर दें, खेत में बीज डालना पड़ता है, हल भी चलाना पड़ता है, फिर उसको काटना भी पड़ता है, फिर उसको निकालना भी पड़ता है, क्यों ये सब करना, तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी। बहानेबाजी नहीं चलती। तो हम कई बार ये बहाना बना के टालने की कोशिश करते हैं। कोई कहेंगे वो डेले वाला है, पिस्ता नहीं है, भाई उसमें क्या समस्या, पीस लो, सुखा लो, 10 मिनट का काम है, कूट लो, पीस लो, जो करना है, जो सही है वो सही है। तो इसके लिए नमक का नियम अष्टांग हृदय के सूत्र का सबसे अच्छा नमक है सेंधा नमक, भगवान का बनाया, प्रकृति का बनाया। दूसरा सबसे अच्छा नमक है काला नमक, और तीसरा अगर आपको मिल जाए तो सांभर चीनी का नमक। यही तीन नमक आप अपने जीवन में इस्तेमाल करें, समुद्री नमक को बिल्कुल छोड़ दें। ऐसे ही अष्टांग हृदय का एक सूत्र जिसको मैं बहुत महत्व का मानता हूँ, वो ये कि भोजन जो पक रहा है, पकते हुए भोजन पर या तो सूर्य का प्रकाश गिरना चाहिए या पवन का स्पर्श होना चाहिए। तो मैंने इस नियम का विश्लेषण करते हुए बताया था कि प्रेशर कुकर में भोजन ना बनाएं, क्योंकि ना तो उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना पवन का स्पर्श होता है। प्रेशर कुकर का बनाया हुआ भोजन आप ना खाएं। इसके लिए मैंने आपको विकल्प में बताया था कि खुले हुए पात्र में भोजन बनाएं, भगोना है, कढ़ाई है, इसमें भोजन बनाएं, और बहुत अच्छा हो मिट्टी के पात्र में भोजन बनाएं। खुले हुए पात्र जो हो भोजन बनाने के, वो पीतल के हो, कांसे के हो, चांदी वगैरह के हो तो बहुत अच्छा है, नहीं संभव है तो सबसे सस्ता है मिट्टी के पात्र हो, मिट्टी की कढ़ाई हो, मिट्टी का भगोना हो, मिट्टी का तवा हो, मिट्टी का घड़ा हो। इन 4-5 बर्तनों को तो अपने घर में जरूर स्थान पर, इसी में रखा हुआ पानी पिए, उसी में पकी हुई दाल खाएं, उसी में पका हुआ चावल आदि खाएं। और उसमें आप खुद तो करें, जो साध्वी जी और साधु जी भगवान आते हैं उनके लिए दो चुनी अगर आप निकालते हैं तो उनका तो विशेष ध्यान रखना, उनका विशेष ध्यान ये रखना है कि उनका जीवन स्वस्थ रहे, सुखी रहे, उनके जीवन में संयम की जो उन्होंने संकल्प ले रखी है वो डिगे नहीं, हमारे कारण तो कम से कम ना डिगे। हम जो श्रावक हैं या श्राविका हैं, हमारे कारण किसी साधु के जीवन में, साध्वी जी के जीवन में तकलीफ आए, मुझे तो बहुत दुख होता है जब मैं ये सुनता हूँ कि कोई साध्वी जी बीमार है या कोई साधु जी बीमार है, वो हमारे कारण है।
क्योंकि उन्होंने तो जीवन में सब कुछ वो अपनाया है जो शास्त्र कहता, फिर भी अगर वो बीमार है तो आप मान लीजिए 99% की जो गोचरी देने वाले लोग हैं वो उसके पाप के भागीदार, वो पाप के भागीदार कैसे हैं? कुकर में बना बना के दे रहे हैं सब, वो खुद का तो खा ही रहे हैं, मरेंगे मरेंगे, उससे मुझे ज्यादा तकलीफ भी नहीं है, लेकिन साध्वी जी और साधु जी को कष्ट दे रहे हैं। वो गोचरी लेने के लिए जाएंगे, उनको भी वही दाल देंगे जो कुकर में बनी है, उनको भी वही चावल देंगे जो कुकर में बना है। तो आप अपने घर में गोचरी के लिए अगर भोजन निकाल रहे हैं तो कम से कम वो कुकर में तो नहीं बना, बिल्कुल ना, आप अपना बना के खाओ। बहुत लोग कहते हैं मरना तो है ही, खा के ही मर ले, तो ठीक है आप खाओ, प्रेशर कुकर का मुझे आपसे ज्यादा लेना देना नहीं। मेरा तो ये कहना है कि कोई साधु भगवान साधवी जी भगवान बीमार पड़े तो सोचो हमने कौन सा पाप कर दिया है। तो सबसे बड़ा पाप जो कर रहे हैं, ये प्रश्न भी आया था मेरे सामने कि हम साधु जी और साधवी जी भगवान के लिए कैसा भोजन निकाल, तो उसमें पहला नियम गांठ बांध लो, आप किसी भी साधु और साधवी जी के लिए आप भोजन पकाए या बनाए तो प्रेशर कुकर में तो गलती से, क्योंकि ये दुनिया का सबसे खराब मेटल है जिसको एल्यूमिनियम कहा जाता है, और जो शरीर में आता है डिपॉजिट होता है निकलता भी है। ऐसे बहुत सारे मेटल हैं, हैवी मेटल है, शरीर में चले जाए तो पेशाब के साथ निकल जाते हैं, ये नहीं निकलता है, और ये इकट्ठा होता रहे। और ज्यादा नहीं कहता हूं, पूरे शरीर का वजन अगर आपका 70 किलो है पूरे शरीर का, और इसमें 5 मिलीग्राम एल्यूमिनियम इकट्ठा हो जाए, 5, 70 किलो वजन में 5 मिलीग्राम, इतना ही पर्याप्त है मार डालने के लिए। इसलिए आपके लिए भी अच्छा है कि आप कुकर को जितनी जल्दी छोड़े उतना अच्छा है, नहीं छूटता है, धीरे धीरे छोड़े। कोई चीज तुरंत नहीं होती तो उसको धीरे धीरे छोड़े। धीरे धीरे कैसे छोड़े? एक दिन तय करें कि भाई सप्ताह में एक दिन मिट्टी की हांडी में ही खाना पके, रविवार फुर्सत रहती है, या खुले बर्तन में खाना पकेगा, खुला बर्तन पीतल का हो सकता है, और पुराने जमाने में लोहे वगैरह के बर्तन, लोहे का बर्तन हमेशा स्टील से अच्छा है, और स्टील से अच्छा है पीतल, और पीतल से भी अच्छा है तांबा, सॉरी कांसा, और कांसे से भी अच्छा है चांदी। अब चांदी की बात नहीं कर सकता, 14-15 हजार रुपए का भाव है, 20 हजार, तो ये तो मैं अभी डर लगेगा बात करने में। सरल बात कर सकता हूँ, मिट्टी के बर्तन की बात कर सकता हूँ, जो अभी भी हांडी 50 रुपए की आती है, तो साध्वी जी के लिए मिट्टी के बर्तन या साधु भगवान के लिए मिट्टी के बर्तन खरीदे, 300-400 हांडिया एक तमाम, इतना तो होना ही चाहिए, उसमें बनाए दाल, उसमें बनाए चावल, उसमें बनाए खिचड़ी, उसी में बनाए रोटी, मिट्टी के तवे पे बनाए, ये साधु और साध्वी जी के लिए निकाल, कम से कम इतना से शुरुआत करें। दूसरा, साधु और साध्वी जी के भोजन में कभी भी समुद्र के नमक का इस्तेमाल नहीं, आपके लिए भी नहीं है, उनके लिए तो बिल्कुल, उसमें सेंधा नमक, उसमें काला नमक, इसी वजह। तीसरा, साधु और साध्वी जी के किसी भी तरह के भोजन में, कोई भी भोजन जो आप उनको दे रहे हैं, किसी भी भोजन में रिफाइंड तेल का बिल्कुल इस्तेमाल, डबल रिफाइंड का तो बिल्कुल क्रॉस, रिफाइंड और डबल रिफाइंड, क्योंकि यही तेल है जो उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। और मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूं, किसी साधु भगवान को साध्वी जी को आपने भोजन दिया, कल्पना करिए वो 300-400 ग्राम है, कल्पना करिए इस 300-400 ग्राम भोजन में 10 ग्राम भोजन ऐसा है जो रिफाइंड तेल से है, हो सकता है 10 ग्राम 15, और ये आपने नियमित रूप से उनको 3 महीने दे दिया, मान लीजिए 3 महीने, भी चातुर्मास में तो 4 महीने होते हैं शायद, तो मान लीजिए 4 महीने 120 दिन दे दिया, ये 120 दिन का भोजन उनको दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, पैरालिसिस, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों तक ले जाने का जमीन तैयार कर दे। फिर क्या होगा, उनका विहार हो गया, 4 महीने वो आपके पास गए, अब उनका विहार हो गया,
और बिहार होते होते हर दिन उनको 10 ग्राम भोजन ऐसा मिल ही रहा है, पूरे भोजन में 350-400 ग्राम भोजन में 10-15 ग्राम भोजन ऐसा मिल ही रहा है जो रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल का। पता है वो कैसे मिलता है? आप उनको मान लीजिए क्या दे रहे हैं, फाफड़ा दे रहे हैं, फाफड़ा सब गुजरात में, मान लीजिए फाफड़ा दे रहे हैं, मान लीजिए गाठिया दे रहे हैं। अब गाठिया और फाफड़ा आपने बना दिया रिफाइंड तेल, अब गाठिया फाफड़ा की मात्रा कुल मिला के 10-15-20 ग्राम भी होगी लेकिन वो उनके लिए जहर का काम कर रहे हैं। कुल भोजन 400 ग्राम में से 10-15 ग्राम, मान लीजिए आपने उन्हें कोई नमकीन दे दिया, सेब दे दिए और वो तले हुए हैं किसमें, रिफाइंड तेल में, डबल रिफाइंड तेल में, 10-15 ग्राम सेब जो आपने दे दिए वो उनके लिए दुख का कारण बन जाएगा। तो मेरा कहना, थोड़ी बारीक नजर रखें इस पे कि साधु और साध्वी जी के लिए भोजन अगर बना रहे हैं, गोचरी के लिए हमें वो देना है, तो उसमें कभी भी एक बूंद भी रिफाइंड तेल, डबल रिफाइंड तेल इस्तेमाल ना हो, एक बूंद भी। फिर आप बोलेंगे क्या तेल इस्तेमाल हो, साध्वी जी और साधु जी भगवान के लिए जो भी कुछ बना रहे हैं आप उसमें तेल ही वापरना है, तो सबसे अच्छा तेल है तिल का, सबसे अच्छा। उनके संयम के जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा तेल है तिल का, सबसे अच्छा। और तिल का कौन सा तेल सबसे अच्छा है? आप तिल लेके गए और कहीं पर घाणी चलती है उसको आपने दे दिया और कहा भाई मुझे तेल निकाल के दे दो, ये तेल घाणी में से निकला हुआ तेल, घाणी आप सभी ने देखी है, तेल घाणी जो धीरे धीरे चलती है, बैल जिसको चलाता है। आप बोलेंगे आज के जमाने में कहाँ है, अभी भी है, अभी भी है भारत में है, तेल घाड़ियां अभी भी है, उनकी व्यवस्था है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, कहीं एक है कहीं दो है कहीं पांच है, तो उनको 100 करने की जरूरत है। और अगर कहीं ऐसी घाड़ी नहीं मिलती जो बैल चलाता हो तो कम से कम इतना तो कर लीजिए कि तिल लेके जाइए और कोई मशीन चलती है उसमें से तेल निकलवा के ले आइए, उस तेल में भोजन बनाइए, अगर तेल इस्तेमाल करना है साधु और साध्वी जी के। और दूसरा, तेल इस्तेमाल नहीं करना अच्छा, बहुत ही अच्छा, गाय के घी में सब कुछ बनाइए। मजबूरी है आपकी, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है क्योंकि गाय का घी थोड़ा महंगा होता है, बहुत लोग ऐसा बोल देते हैं भाई इतना पैसा तो नहीं है, 400 रुपए किलो का गाय का घी पड़ता है, तो ठीक है तिल के तेल। लेकिन अगर आप में थोड़ी भी कैपेसिटी है तो साधु जी और साध्वी जी का भोजन तो गाय के घी में ही बने, उनकी सब्जी बनानी है छोंक लगाना गाय के घी में, उनकी दाल में हो तो गाय का घी, उनकी रोटी में लगाना है तो गाय का घी, उनके लिए शीरा बनाना है तो गाय के घी में, उनके लिए कुछ भी बनाना जो आप चाहते हैं वो सब गाय घी में हो सबसे अच्छा। और गाय घी का माने देशी गाय का घी, जर्सी का नहीं, गाय का घी माने हम बाजार से जो पैकेट वाला ले आते हैं वो सब भेड़ सेड़ वाला है, मिक्सिंग वाला है, आधा भैंस का हो सकता है आधा गाय का हो सकता है। हाँ, अच्छा तरीका यह है कि किसी ग्वाले से गाय का दूध लें, उस दूध को दही जमाएं, मक्खन निकालें, उसमें से घी घर में बनाएं, ये तो सबसे आदर्श स्थिति है। नहीं इस स्थिति का आप पालन कर सकते हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑल्टरनेट है, तिल के तेल में उनका भोजन बने, ज्यादा से ज्यादा तिल के तेल का उपयोग हो। और तीसरा बेस्ट ऑप्शन है, अगर तिल का तेल भी उपलब्ध नहीं, वैसे मैं नहीं मानता कि तिल का तेल उपलब्ध, तिल भरपूर है इस देश में, खूब पैदा होता है, लेकिन अगर वो उपलब्ध नहीं है किसी कारण से तो मूंगफली के तेल में भोजन बनेगा, क्वालिटी गिरती जाएगी। देखिए ये क्वालिटी सबसे ऊंची गाय का घी, देशी गाय का, उससे नीचे क्वालिटी तिल का तेल, उससे नीचे क्वालिटी मूंगफली का तेल, और फिर इससे नीचे क्वालिटी आएगी नारियल का तेल, और फिर उससे नीचे क्वालिटी आएगी सरसों का तेल। ये जो सरसों का तेल है ये गृहस्थों के लिए ठीक कहा है, सब गृहस्थों के, गृहस्थी का जीवन जिनको बिताना है उनके लिए ये सबसे अच्छी क्वालिटी में आएगा, लेकिन साधु और साध्वी जी के लिए उतना अच्छा नहीं है।
क्योंकि उन्हें संयम का जीवन मिला। तो आप इस क्रम में भोजन की तैयारी करें। पहली बार नमक तो सेंधा ही होगा, नमक तो काला ही होगा, नहीं तो सांबर जीव का होगा। साधु जी के लिए भोजन कुकर में तो नहीं ही बनेगा। मिट्टी की हांडी होगी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो खुला हुआ बर्तन हो तो बहुत अच्छा है। तीसरा, उसमें तेल का इस्तेमाल हो तो सबसे अच्छा, तिल का। दूसरे नंबर पे मूंगफली का। तीसरे नंबर पे क्या बोला, नारियल का। और सबसे अंत में सरसों आदि का। और सबसे अच्छा सर्वोत्तम मैंने बोला गाय का घी। गाय के घी में उनकी सारी चीजें। एक और ध्यान रखना है कि साध्वी जी के लिए मीठी चीज कुछ भी तैयार कर रहे हैं, साधु जी के लिए मीठी चीज तैयार कर रहे हैं, तो उसमें चीनी कमी नहीं। चीनी में वो सारे केमिकल हैं जो संयम तोड़ने के लिए बदनाम है सारे। चीनी में वो सब केमिकल। मैंने रसायन शास्त्र का थोड़ा अभ्यास किया है अपने विद्यार्थी जीवन में। चीनी में दुनिया के सबसे खराब 23 केमिकल, वो सारे केमिकल आदमी को संयम तोड़वाते हैं एक तो। दूसरा, वो सारे केमिकल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। तीसरा, वो सारे केमिकल ऐसा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं जो सबसे खराब है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़े तो सैकड़ों बीमारियां आनी है, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, पैरालिसिस, ये और वो, ये सारे चीनी के दुष्परिणाम। तो चीनी तो ना ही हो, उनके किसी भी भोजन में चीनी ना हो तो क्या होना चाहिए। तो साधु जी के लिए सबसे अच्छी चीज, साधु जी के लिए जो सबसे अच्छी चीज है, जो उनके संयम को पालन करने में भी मदद करेगा, केमिकल फ्री गुड़। केमिकल फ्री गुड़ मिलता है, थोड़ा महंगा मिलता है लेकिन मिलता है। इतना तो लाके रखो कि साध्वी जी और साधु जी के लिए बना के उससे कुछ दे सके, शीरा बना के दे सके, गुड़ बना के दे सके, उतना तो हम कर ही सकते हैं। केमिकल फ्री गुड़ का सब ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। और अगर आप कर सके तो एक खांड आती है, खांड, देशी खांड उसको कहते हैं। वो दिखने में गुड़ जैसी ही होती है, रंग भी उसका गुड़ के ही जैसा होता है, उसका देशी खांड उसका उपयोग करें। राजस्थान में मिलती है, हरियाणा में मिलती है, पंजाब में भी मिलती है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, शायद यहाँ भी मिलती है। चेन्नई में भी कुछ दुकानें हैं जो देशी खांड आपको उपलब्ध कराएं। हाँ, खराब हो जाती है तो उसका तरीका बताऊंगा क्या करें। लौंग डाल के रखें, उसमें लौंग डाल के रखें, लौंग जानते हैं, लौंग डाल के रखें। 1 किलो में 2-4 लौंग डाल दें बस। तो आप भोजन में उनके लिए मीठा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे अच्छा गुड़ है, नहीं तो सबसे अच्छी उसके बाद दूसरे नंबर पर खांड है। तीसरी कोई चीज है वो बूरा, बूरा खांड से बना हुआ बूरा खूब मिलता है आजकल। ये 3 चीजें उनकी मिठाई में, माने मीठी वस्तुओं में शामिल है। और चौथा, उनके लिए कोई भी सब्जी आप बना रहे हैं, कोई भी सब्जी बना रहे हैं, तो आजकल सब्जियों में केमिकल स्प्रे बहुत होता है, आप सभी जानते हैं। और केमिकल स्प्रे जो होता है उसमें जो केमिकल जाते हैं शरीर में बहुत खराब है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, डाइक्लोपेन, मोनोक्रोटोफॉस, ये सब स्प्रे होता है सब्जियों पर होता है। ये सब सब्जियों का स्प्रे किया हुआ सब्जी ही बाजार में ज्यादा से ज्यादा आता है। आपके पास अपना खेत तो है नहीं जहाँ पे गाय के गोबर से सब्जी उगा सके, आप तो बाजार से ही खरीद कर ला रहे हैं। तो सब्जी को लाते समय चुनने का ध्यान रखें, जो सब्जी देखने में खूब चमक रही हो उसको कभी ना लें, खूब चमकती हो, शाइनिंग बहुत हो। जैसे बैंगन खरीदा आपने उसमें शाइनिंग बहुत है, टमाटर खरीदा उसमें शाइनिंग बहुत है, फली खरीदी आपने, बीन्स जिसको हम कहते हैं, शाइनिंग बहुत, शाइनिंग अगर हो रही है हाथ से भी छू के जरा देख लो, चिकनाहट अगर उस पर है और शाइनिंग है तो वो नहीं है। साध्वी जी के लिए तो नहीं लेना, साधु जी के लिए तो नहीं, इसका माने उसमें केमिकल स्प्रे बहुत हो गया। केमिकल स्प्रे नहीं होता, ये जो बहुत चमकती हुई सब्जियां होती है ना, इनको डुबो के निकाला जाता है। केमिकल पूरा भरा हुआ डब्बा, उसमें ऐसे डुबोते और निकालते,
तब उस पर चमक आती। तो ज्यादा चमकती हुई कोई भी सब्जी बाजार से कम ना खरीदें, सादगी जी के लिए तो ना खरीदें। और कोई मजबूरी हो गई, मजबूरी तो कहीं भी हो सकती है, कोई मजबूरी हो गई है ही नहीं, वो ही है और क्या करें क्या ना करें, तो आप सब्जी ले आए उसको पहले पानी को खूब गर्म करके उसमें डाल दें, थोड़ा उस पानी में सेंधा नमक भी डाल, कुछ भी लाए टमाटर लाए कुछ लाए, गर्म पानी किया सेंधा नमक मिला दिया और उसमें डाल दिया। डालते समय पानी बहुत गर्म ना हो, थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा जैसा हो, नहीं तो सब्जी पिचक जाएगी या उसी में फट जाएगी। तो पानी का इतना टेम्परेचर का ध्यान, अब उसको डाल दिया, थोड़ी देर रखें 1-1.5 घंटे, उसकी विषाक्तता कम हो जाए, उसकी टॉक्सिसिटी थोड़ी कम हो जाए, उसका जहर थोड़ा कम हो जाए, फिर उस सब्जी को पकाए। पकाते समय भी उसमें सेंधा नमक सबसे ज्यादा विष को कम करता है। काला नमक सेंधा नमक विष को सबसे ज्यादा कम करता है। तो आप सब्जी फिर 1-1.5 घंटे पड़ी रहने दें, फिर उसको बनाए और पकाए। पकाते समय भी उसमें सेंधा नमक का भरपूर इस्तेमाल करें। और एक काम करें, साध्वी जी और साधु जी के भोजन को बनाते समय हल्दी का उपयोग अच्छे से करें, हल्दी का उपयोग अच्छे से करें। माने उनकी सब्जी में दाल में हल्दी जितनी ज्यादा होगी, बहुत हल्दी तो नहीं डालें नहीं तो कम भी हो जाएगी, आप अंदाजा लगा लें उसका, सामान्य से थोड़ी ज्यादा हल्दी रहे और नमक सेंधा और काला रहे, तो उनके जितने भी जहर जा रहे हैं कम से कम 50% तो कम हो जाएंगे उस हल्दी की ताकत से और नमक की ताकत से। बाकी 25-30% कम हो जाएंगे आपने जो गुड़ इस्तेमाल कर दिया तो या खांड इस्तेमाल कर दिया। तो 75% जहर तो हम कम कर ही सकते हैं जो उनके शरीर में ना जाए, और बाकी 25% जहर कम करना है तो उसके लिए सभी स्थानों पर जहां साध्वी जी और साधु जी रुकते हैं वहां पानी की ऐसी व्यवस्था करें कि उनको बारिश का पानी ही पीने को मिले। मंदिरों में तो कम से कम जहां साधु जी और साध्वी जी रहते हैं वो स्थान पर उनको पानी मिलता है पीने का, वो बारिश का पानी अगर होगा तो बाकी 25% जहर भी उनका कट जाए। इस तरह से उनके शरीर में जो जाएगा वो 100% संपूर्ण निरापद ऐसा भोजन होगा जो उनकी जीवन को उनकी आयु को दोनों को बढ़ाएगा। उनका जीवन उनकी आयु बढ़े तो उसका लाभ पूरे समाज को मिले। तो ऐसी छोटी छोटी कुछ बात है। अब आप यहां बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जो मंदिरों में ट्रस्टी होंगे, शायद भंवरलाल जी हो सकते हैं, आप में से कई हो सकते हैं, तो अपने अपने मंदिरों में अब इस बात की चर्चा शुरू करें कि जो साधु जी साध्वी जी आते हैं ठहरते हैं 4 महीने रहते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था तो बारिश के पानी से ही करें। जितना खुला स्थान मंदिर का है उस पर जो पानी गिर रहा है कम से कम उसको इकट्ठा करके मंदिर में कोई टैंक बना के रखें। और याद रखिए, टैंक में रखा हुआ पानी अगर सूरज की धूप उस पर नहीं पड़ रही है तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, सालों साल खराब नहीं होता। सूरज की धूप से बचाना है बस उस पानी को, चूने के संपर्क में रखना है, सूरज की धूप से बचाना, बीच बीच में चूना उसमें डालते रहना है, पानी हमेशा शुद्ध रहेगा, ना जीव राशि उसमें पैदा होगी, जीव हिंसा से भी बचेंगे और शरीर के अंदर जो कुछ गड़बड़ जा रहा है गलत गया है खाने पीने में उन सबको निकालने में ये पानी सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा मदद करता है। वो उबाल लेंगे तो सोने में सुहागा, लेकिन वो बिना उबाले भी ले लेंगे तो भी वो जीव राशि रहित है। अगर चूना उसमें समय समय पर पड़ता रहे तो, या फिटकरी उसमें उबाई जाती रहे तो, उबालने में तो बहुत ही अच्छा, कोई तकलीफ ही नहीं उसमें। तो इस तरह का हम अपने जीवन में थोड़ा साधु जी और साध्वी जी के लिए करें। ये मैंने आज इसलिए बताया विस्तार से क्योंकि कल आखिरी व्याख्यान मेरा होगा, उसमें शायद मेरे पास समय नहीं है, तो अभी मैंने बता दिया। मेरे पास ये 2-3 प्रश्न आ चुके थे पिछले 9 दिन में, कम से कम 3 माताओं ने मुझे ये प्रश्न, एक दो ने तो लिख के दिए, एक ने तो पूछ लिया था कि आप ये नहीं बताएंगे क्या, मैंने कहा जरूर बताओ।
पिछली बार भी श्रेयांश हॉल में जब मेरी व्याख्यान माला हुई थी तब भी ये प्रश्न आया था, समय की कमी के कारण मैं इस पर चर्चा नहीं कर पाया, तो आज मुझे थोड़ा समय मिल गया तो मैंने आपको थोड़ी इसमें विस्तार से चर्चा की कि आपके अपने जीवन के लिए कुछ सूत्र बहुत जरूरी है, साधु और साध्वी जी के लिए जो आप गोचरी तैयार कर रहे हैं उसके लिए भी कुछ चीजें सूत्र के रूप में आपको याद रखनी है। और अब एक दो तीन छोटी छोटी बातें और कि आपने अपने घर के बच्चों के लिए जिनको आप बड़ा कर रहे हैं और एक जिम्मेदार नागरिक बना रहे हैं उनके लिए कुछ सूत्र और आपके लिए भी एक दो सूत्र, दोनों को मिलाकर। बच्चों के लिए सबसे बड़ा सूत्र है अष्टांग हृदय का, सबसे पहले उनकी प्रकृति के बारे में। आपको शायद मालूम है या नहीं, हर मनुष्य की वो स्त्री हो या पुरुष कोई प्रकृति है, वात की या तो पित्त की या तो कफ की। जैसे तीन तरह के रोग दोष है ना, तीन दोष वात पित्त कफ, ऐसे ही तीन प्रकृतियां भी हैं, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति। हमारे शरीर को ध्यान में रखकर अगर बात करूं सामान्य रूप से तो बच्चे जितने होते हैं वो सब कफ प्रकृति में है, बच्चे सब के सब कफ प्रकृति में, बच्चे सब के सब। और जवान जितने हैं, बच्चे कब तक माने जाते हैं, जन्म लेने से 14 वर्ष की उम्र तक हमारे यहां बच्चा कहा जाता है, बालक। बालक की परिभाषा है जन्म लेने से 14 वर्ष की उम्र के बीच का, ये है बालक या बच्चा। जवान युवा उसकी परिभाषा है 14 साल से शुरू होके और 25-30 साल तक, कभी कभी 35 साल तक, आजकल 40 साल मान दिया गया, समय के हिसाब से थोड़ा परिवर्तन। तो आप मान लो कि 15 साल से 40 साल तक युवा और फिर 40 साल के बाद शुरू होता है, मानते हैं जीवन का घटना माने बुढ़ापा। तो ये तीन श्रेणी में मैं आपसे कहना चाहता हूं, 0 से 14 साल की जिनकी उम्र है वो सब कफ प्रकृति में है, 15 साल से 40 साल तक की जिनकी उम्र है वो सब पित्त प्रकृति में है, और उसके आगे 40 के आगे जितनी भी उम्र है वो अधिकांश, अधिकांश शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि उसमें कभी अपवाद हो सकता है, 40 के ऊपर के सभी वात प्रकृति में है, ठीक है, 40 के ऊपर वात, 40 से लेकर 14 तक पित्त और 14 से लेकर 0 तक कफ। तो बच्चे सब कफ प्रकृति में है, तो कफ प्रकृति के हिसाब से उनके साथ व्यवहार करना ये सूत्र है। अब कफ प्रकृति होती कैसी है, वात प्रकृति कैसी होती है, पित्त प्रकृति कैसी होती है। कफ प्रकृति का माने है चंचलता, कोई भी बच्चा चंचल होगा ही, चंचलता। कफ प्रकृति का माने है अस्थिरता, स्थिरता उसमें नहीं होगी, अभी यहां बैठेगा अभी यहां बैठेगा, अभी वहां जाएगा फिर वहां चला जाएगा, कभी छत पे चढ़ जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, बिस्तर पे चढ़ जाएगा कभी कूदी मारेगा, स्थिर नहीं हो सकता, बच्चे का स्वभाव ही है अस्थिरता। कफ प्रकृति में वो बड़ा लक्षण, एक तो उसमें आएगी चंचलता, दूसरी आएगी अस्थिरता, स्थिर नहीं होगा, तीसरा कफ प्रकृति है गुल मटोल, समझते सुंदर सा दिखेगा सब कुछ, चेहरा बहुत सुंदर होगा, गाल बहुत सुंदर होंगे, चूके देखें आप तो आपको भी आनंद आएगा, ऐसी त्वचा होगी। कफ प्रकृति की जो त्वचा होती है वो बहुत ज्यादा स्पर्श के लिए है, आपको स्पर्श करने में आनंद आएगा, आपको अपनी त्वचा छूने में मजा नहीं आएगा, बच्चे की छूने में मजा आएगा। और कफ प्रकृति की विशेषता है सब कुछ नया नया, सब कुछ नया नया, हर चीज नई। कफ प्रकृति की और एक विशेषता है दिमाग की तीव्रता, बहुत तीव्र दिमाग होता है कफ प्रकृति जब तक आदमी रहता है, और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा आदमी सीखता है 0 से लेकर 14 साल की उम्र में ही सबसे ज्यादा सीखता है, तो तीव्रता ज्यादा है दिमाग की इसलिए हर चीज सीखेगा। और कफ प्रकृति चूंकि चंचल है अस्थिर है इसलिए गलती करने की सबसे ज्यादा तैयारी या संभावना,
गलती भी हो तो भूल, एक तो होती है गलती जिसका प्रायश्चित कर ले, एक होती है भूल जिसका प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। किसी बच्चे ने टेलीविजन तोड़ दिया, अब इसका तो प्रायश्चित हो नहीं सकता, वो जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो गया वो तो 10-15 हजार का नुकसान कर ही दिया, अब वो उसकी प्रकृति है, गिलास तोड़ दिया, प्लेट तोड़ दी, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, वो स्वाभाविक है उस सबके लिए। तो भागवत जी के अष्टांग हृदय में एक पूरा अध्याय है, उसमें से एक दो सूत्र बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं मानता हूँ वो जरूरी है और अब तक 9 दिन में वो सूत्र नहीं आए। उसमें से ये है कि कफ प्रकृति के बच्चे होते हैं तो उनके गुणों को समझकर उनके साथ व्यवहार करना। अब उनमें अस्थिरता है, चंचलता है, बुद्धि की तीव्रता है, हर चीज को करके देखने का, आपने रेडियो रख दिया वो खोलेगा, निकालेगा, ऐसे फेंकेगा, उसे फेंकेगा, सब तोड़ ताड़ के बराबर, फिर वो जुड़े ना जुड़े उसको कोई मतलब नहीं, उसने कर दिया। अब आप परेशान हैं, डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, तो गलती आप कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा, उसका तो स्वभाव है वो करने का। जैसे आप जानते हैं ना, सांप का स्वभाव है थूक करने का, अब आप माने तो गलती आपकी है, उसका तो स्वभाव है, प्रकृति ने दिया। वैसे बच्चे का तो स्वभाव है, क्योंकि कफ में जब तक वो रहेगा ये सब लक्षण उसमें होने ही वाले हैं। तो मेरा कहना ये है कि बच्चों को मारना, पीटना, फटकारना, डांटना, ये सब बंद। कफ प्रकृति के किसी भी व्यक्ति को मारेंगे, पीटेंगे, फटकारेंगे, डांटेंगे, उसका रिएक्शन और तेज, क्योंकि कफ प्रकृति विद्रोही है। मार दिया ना आपने किसी गलती के लिए, दोबारा फिर करेगा, आप फिर मारेंगे, फिर करेगा, थोड़े दिन में आपके प्रति उसमें घृणा उत्पन्न हो जाएगी। मम्मी गंदी है मारती है, या पप्पा गंदे हैं डांटते हैं, अगर ये भाव आ गया तो वो बच्चा एक दिन आपके हाथ से निकल जाएगा, आप उसे सहेज के नहीं रख पाए, वो चला ही जाएगा। चला जाने का माने रहेगा आपके ही साथ, लेकिन आपकी ना